الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

हदीस किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ क्या है उसके शुरूत क्या है और मुतवा हदीस का फ़ायदा क्या है और उसके बाद जुमनन ही मुख्तसर अल्फाज में मैंने अहााद की तारीफ़ भी बतलाई थी कि अहत किसे कहते हैं आम तौर पर हदीसें दो तरह की होती हैं वो हदीसें जो हम हम तक पहुँचती हैं नकल करके यानी एक दूसरे से रिवायत करके वो दो तरह की होती हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने रिवायत किया होता है और इस कसरत से लोगों ने रिवायत किया होता है कि लोगों का झूठ पर इकट्ठा होना महाल होता है हिस्सी एतबार से भी और फ़री एतबार से भी हर नाही से लोगों का झूठ पर इकट्ठा होना महाल होता है तो उसको हम और आप मुतवातिर के नाम से जानते हैं इसी तरीके से वो रिवायतें जो मुतवातिर के दर्जे तक नहीं पहुँचती यानी उसको एक कसीर तादाद ने रिवायत नहीं किया होता है लेकिन उसको कुछ लोगों ने रिवायत किया होता है तो उसको हम और आप अहद के नाम से जानते हैं तारीफ़ क्या थी तारीफ़ मैंने बैन कर दिया था मैं दोबारा उसको का अदा करता हूँ मलम या तवफ्रफी ही शुरू तो तवातुर यानी ख़बर अहाद उन उन अहदीस को कहते हैं जिसमें तवातुर का शर्त ना पाया जाए तवातुर के शरात कितने हैं चार हैं पहली ये कि उसमें एक कसीर तादाद ने रिवायत किया हो फिर ये कि उस कसीर तादाद ये कसीर तादाद सनत के हर तबके में पाया जाए फिर ये कि आदतन उनका झूठ पर इकट्ठा होना महाल हो और चौथी शर्त ये है कि हस के अतबार से यानी उस खबर की बुनियाद हिस्स पर हो हिस्स से हम समझने जानने की खबरें मुतवा है तो अगर इनमें से कोई भी शर्त मफकूद होगा तो वो हदीस हदीस मतवा नहीं होगी ख़बर मतवा नहीं होगी बल्कि हदीस अहात कही जाएगी हदीस अहात की तीन किस्में हैं नंबर एक मशहूर और नंबर दो अजीज़ और नंबर तीन गरीब ये तीन आ, किस्में हैं इन शह तफस से हम जानेंगे इनके अहकाम क्या हैं और इनकी तारीफ़ क्या है और मिसालों से इन श्ल्ल्ल्ल्लह तक समझेंगे तो ख़बर अहाद की जो सबसे पहली कस्म है मशहूर हदीसे मशहूर उसकी तारीफ़ करते हुए हाफिज हाफिजुबिन हजर फरमाते हैं माँ रवाहु फ़ोकस नीन माँ रवााहू फ़ोकस नीन वलम यबलु हद तवातुर यानी वो हदीस जिसको दो से ज़्यादा लोगों ने रिवायत किया हो दो से ज़्यादा लोगों ने रिवायत किया हो और वलम यबलु हदत तवातुर और वो तवातुर के हद को ना पहुंचती हो तवातुर का हद मतलब ये कि जैसे मैंने हदीस बयान की थी इससे पहले कि उस हदीस को तकरीबन सत्तर से सौ से ज़्यादा सहाबे के राम ने बयान किया था मन कदीबाला मत्मिदन फल य तबादउ उमिन नार इस रिवायत को सौ से ज़्यादा सहाबा ने बयान किया था तो लेकिन अब फिर अंदाज़ा कीजिए कि उससे उन सौ सहाबा से कितने लोगों ने रिवायत किया होगा तो यहाँ जो ख़बरें अहत की किस्मों में से पहली किस्म है मशहूर उसकी तारीफ़ करते हुए ने लिखा है कि जिसको दो से ज़्यादा लोगों ने रिवायत किया हो वलम यबलोह हद तवातुर और वो रिवायत तवातुर की हद को ना पहुँचती हो इसकी हदीस अल्लाह के नबी वसल्लम की ये इसकी मिसाल अल्लाह के नबी वसल्लम की ये हदीस है अलमुसलिमन सलीमुलसलिमू मिल्लानी वही कि मुसलमान वो है जिससे जिसके ज़ुबान से और जिसके हाथ से दीगर मुसलमान महफूज रहें ये हदीस आप देखें जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ताला अनु से मरवी है सही मुसलिम के अंदर हदीस नंबर सात हज़ार दो सौ बहत्तर इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनु से मरवी है सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर छः हज़ार चार सौ चौरासी इसी तरीके से ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह तु से मरवी है तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर दो हज़ार छः सौ सत्ताईस इसी तरीके से फ़जाल इबन उबैद रजी अल्लाह तु से मरवी है ये रिवायत मुन्द अहमद इबन हमर रहमत लाई के अंदर और हदीस नंबर है दो हज़ार तीन सौ दो तेईस हज़ार नौ सौ सड़सठ इसी तरीके से ये रिवायत हज़रत अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह तु से मरवई मरवी है सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर ग्यारह है इसी तरीके से ये रवायत हज़रत नसिबिन मालिक रज़ी रज़ील् तैन से भी मरवी है हदीस नंबर दो हज़ार पाँच सौ पचपन है सही तरगीब के अंदर अलामा अलबाई रहमत लिया ने इस रवायत को सही करार दिया है इसी तरीके से ये रवायत वायला बिन असका अस अल अल्फ़ा रजील् तालों से मरवी है हदीस नंबर छः हज़ार सात सौ दस सहीजाम के अंदर और ये सही तरगीब और सही उजामे के अंदर इस रवायत को जो हज़रत वाह बिन अस असक़ा रजी अल्लाह तु से मरवी है इसी तरीक़े से हजरत अनिस्बिन मालिक रजी अल्लाह तु से मवी है इन दोनों संदों को शेख रहमतुल्लाह रमतल ने सही करार दिया है तो ये यहाँ जो मशहूर की जो तारीफ़ की हैमा ने तौर से हाफिज़ बबिन हजर ने वो क्या कह, कह रहे हैं कि जिसको दो से ज़्यादा लोगों ने रिवायत किया हो और वो रिवायत तवातुर की हद तक ना पहुँचती हो तवाुर की हद तक न पहुँचती हो यहाँ कितने लोगों ने रिवायत किया है नंबर एक जाबिर बिन अब्दुल्ला और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अबू हुरैरा फ़जाला बिन उबैद अबू मूसा मूसाशरी इसी तरीके से अनस अनासम मालिक छः और सात ये कुल सात सहाबा रजी कर राम रज़ी रिवायत मरवी है और ये तवातुर की हद तक नहीं पहुँचती है इस हदीस को हम और आप किस नाम से जानेंगे इस हदीस को हदीसे मशहूर कहेंगे यानी वो रिवायत जिसमें जिस रिवायत को एक कसीर तादाद ने न रिवायत किया हो और वो कसीर तादाद सनद के हर तबके में न पाया जाए फिर इसी तरीके से वो रिवायत जिसके रावियों का झूठ पर इकट्ठा होना महाल हो जाहिर है किसी अगर हदीस को छः सात लोग बयान कर रहे हैं तो वह बाहम मुतफिक हो सकते हैं कि चलो आओ मिल करके झूठ बोलें अल्लाह के नबी वसम पर तो लेकिन या जो हदीस मुतवा के हद तक न पहुँचती हो उसको क्या कहते हैं उसको अहाात कहते हैं और अहााद की सबसे पहली कस्म है मशहूर और मशहूर की तारीफ़ मैंने आपके सामने जिक्र की और मिसालों से उसके वाज किया है कि यह हदीसमसलिमसलबालमसलिमून अल्मुस्लिमु मिल्लिसानी वैदी ये तकरीबन सात साहबा से मरवी है और ये रिवायत सही है और उसके बावजूद भी ये तवातुर की हद तक, तक नहीं पहुँचती है उसके बाद दूसरी रिवायत जिसे अहााद की दूसरी कस्म जिसे हम और आप अजीज़ का नाम देते हैं अजीज़ का मतलब होता है कलील कम यानी एक आदमी किसी रिवायत को तन्हा रिवायत कर रहा था लेकिन कहीं से दूसरी उसकी सनत मिल जाती है फिर उसको तकवेत मिल जाती है तो अज़ीज़ का एक मतलब होता है कलील और दूसरा मतलब होता है अजीज़ मतलब क़वत ताकत यानी दूसरी जो दूसरा जो रावी होता है उसी हदीस को बयान कर रहा होता है तो उसके ज़रिए से पहले वाले रावी कोवत और ताकत मिल जाती है तो अज़ीज़ की तारीफ़ करते हुए कहते हैं नानी मरवी स्नानी तबकतिन कि अज़ीज़ वो हदीस है जिसको दो रावी रिवायत कर रहे हैं अगरचे वो एक ही तबके में हो यानी पूरे तबके में बहुत ज़्यादा रावी हों बहुत ज़्यादा लोग दो, दो से ज़्यादा हों तीन हों चार हो, पाँच हों लेकिन किसी तबके में जा कर के सिर्फ़ दो रावी हों और वो दो रावी उस रिवायत को बयान कर रहे हों तो उस रिवायत को क्या कहा जाएगा उस रिवायत को अजीज कहा जाएगा इसी तरीके से मशहूर की जो तारीफ़ मैंने ऊपर बयान की है उसमें ये है कि अगर किसी भी तबके में बहुत ज़्यादा पाँच छः सात आठ नौ दस चाहे जितने भी रावी हों लेकिन किसी भी आ, किसी सनत के किसी भी तबके में अगर दो से ज़्यादा रावी हैं और वो रावियों की तादाद अगर मुतवा की हद तक नहीं पहुँचती है तो वो क्या कहलाएगा हदीसे मशहूर कहलाएगा तो अज़ीज़ की जो मिसाल है आ, वो ये हदीस है ला मिनद हत्ता अहब मिन वालिदिही व वलदिही व ना अजमाइन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता ला युमिनु अहदुकुम तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकून अहब इलेही मिन वालिदिही व वलदिही यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक महबूब हो जाऊँ उसके वालिद से भी ज़्यादा उसके औलाद से भी ज़्यादा वन ना से और तमाम लोगों से भी ज़्यादा यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रमाते हैं कि कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता है यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप से ज्यादा उसके वालदे से ज़्यादा उसके औलाद से ज़्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ यानी अगर एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करता है तो वो हकीकी मनों में मोमिन नहीं रहेगा तो ये हदीस आप देखें ये हदीस इस हदीस को रिवायत करने वाले दो सहाबी हैं पहले हैं हज़त अनसबिन मालिक रजी अल्लाह इस 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 हदीस को रिवायत करने वाले बुखारी के अंदर और हदीस नंबर है चौदह इसी तरीके से इसी रिवायत को बयान किया है हैरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तन ने सही बुखारी के अंदर ही हदीस नंबर पंद्रह है यानी चौदह और पंद्रह के अंदर ही सही बुखारी के अंदर दोनों रिवायतें मौजूद हैं एक रिवायत उसमें अनसब ने मालिक रजी अल्लाह तन से मरवी है और दूसरी रिवायत है वो हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तन से मरवी है तो आपने देखा कि इसी रिवायत को दो सहाबा बयान कर रहे हैं दो सहाबा अब उन दो सहाबा से चाहे कितने भी लोग रिवायत करें वो हदीस क्या कहलाएगी हदीस अज़ीज़ कहलाएगी इसी तरीके से हदीस की एक आ, आ, ख़बर अहत की एक तीसरी किस्म है जिसे हम और आप गरीब के नाम से जानते हैं गरीब किसे कहते हैं गरीब की तारीफ़ कहते हैं मा रवाहु राविन वाहिदिन गरीब कहते हैं वो हदीस जिसको सिर्फ़ एक आदमी रिवायत करे माँ रवाहु राविन वाहिदिन जिसे सिर्फ़ एक रावी रिवायत करे उस हदीस को क्या कहा जाता है गरीब इसकी सबसे वाज मिसाल पहले भी आ चुकी है मैं फिर दोबारा उसका अदादा करता हूँ हदीस इन नमल आम आलुबिनियात इस रिवायत को हज़रत उमर हज़रतमरबन ख़ताब रजील् ताल ने अल्लाह के नबी नबीरम से रिवायत किया और किसी भी सहाबी ने रिवायत नहीं किया हज़रत उमर उमरबन ख़ताब रजी अल्लाह तनों ने इस हदीस को बयान किया है फिर उसके बाद देखिए ये जो सनद हज़रत इमाम बुखार रहमत ने अपने यहाँ और इमाम अहमद ने जो अपने यहाँ नकल किया है यह्या इबन अंसारी अन अलकमा, अन मोहम्मद बिन इब्राहीम तैमी अन अलकमा इबन वक़ा अलैसी ये पूरे सनद में जितने हैं सबके सब, सब ताबेन हैं और सईद अल अंसारी से लेकर के जितने भी बाद के लोग हैं इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने रिवायत किया है लेकिन जितने भी ताबीन आपस में एक दूसरे से रिवायत कर रहे हैं हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब से हजरत उमर इब्ने ख़त्ताब तक ये सारे के सारे कौन हैं तनहा हैं अकेले अकेले रिवायत कर रहे हैं तो वो हदीस जिसको सिर्फ़ एक आदमी रिवायत करे एक रावी रिवायत करे उस हदीस को क्या कहा जाता है गरीब कहा जाता है और गरीब अगर ये हदीस चाहे मशहूर हो चाहे अजीज हो चाहे गरीब हो अगर ये सनद के साथ साबित हो जाती है कि हदीस सही है तो उसको कबूल किया कर लिया जाएगा ऐसे ही जैसे खबर ख़बरें मतवा को कबूल किया कर लिया जाए दोनों में फ़र्क क्या है दोनों में फ़र्क़ यह है कि इसको चेक किया जाएगा चाहे हदीस मशहूर हो चाहे अजीज़ हो चाहे गरीब हो इन तमाम अहादीत को चेक किया जाएगा कि हदीस सही है कि नहीं है अगर सही है तो उसको कबूल कर लिया जाएगा अगर नहीं है तो उसको रद्द कर लिया जाएगा लेकिन ख़बरें मुतवा ये वो अहदीस जो कसरत कसरत तुरुक के साथ मरवी होती हैं उसको चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इस कदर वो लोगों से रिवायत वहादी की जाती हैं कि उसमें इंसान का को शकोशुबा रहता ही नहीं है तो वो उसमें ज़्यादा तहक़ीक़ करने की ज़रूरत नहीं है तो ख़बर अहत जितनी भी ये अहदीस और रिवायात की तहक़ीक होती है उसकी बुनियाद ख़ब्र अहत पर होती है यानी वो ख़बर अहद को ही चेक करते हैं और वो ख़बरे आहत कौन कौन सी होती हैं मशहूर अज़ीज़ और गरीब इन्हीं तीनोंस्मों से आम तौर पर मुहदसिन बहस करते हैं और इन्हीं की तहकीक करते हैं इसी तरीक़े से जो हदीस गरीब है इसको दो इसमें दो इसकी दो किस्में हैं एक तो ये कि गरीब मतलक़ और ग़रीब नस्बी फ़र्द मतलब या गरीब नस्बी यहाँ कहते हैं कि अन तकून गरीब फ़र्द मतलब की तारीफ़ करते हुए कहते हैं अन तकून बतुफ़ ये असली सनद फ़र्द मतलब या गरीब मतलब या ग़रीब नस्बी या फर्द नस्बी दोनों ना सही है ये कहते हैं कि फ़र्द मतलब या गरीब मतलब की जो तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि अन तकून फ़ी असल सनद कि वो गराबत सनद के असल में सनद की असल में पाई जाए यानी अगर, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सहाबी कोई रिवायत रिवा बयान कर रहा है तो उस रिवायत को बयान करने में वो तनहा हो तो उसको अगर बयान करने में वो तनहहा है तो उसको कहेंगे कि वो हदीस हद, ग़रीब मतलक़ है फ़र्दे मतलक है और इसी तरीके से वो हदीस अगर दरमियाने सनद में यानी सहाबा से लेकर के बाद तक यानी जो मुहदस अपनी किताब में नकल करता है अपनी सनत से उसको बयान करता है वहाँ तक उस दरमियान में अगर कोई शख्स तनहा रिवायत कर रहा है उस रिवायत को किसी भी हदीस को तो उसको गरीब नस्बी कहा जाएगा यहाँ देखिए एक हदीस है अलईमान व वबो वतन कि ईमान के सत्तर से ज्यादा शबे हैं फ़रफ़ा तो सबसे उसका जो अली दर्जा है कऊल अला ला अ कहना है ये सबसे आला दर्जा है वदनाहा और उस, उसका सबसे कमतर जो दर्जा है इमातल अन तरीत कि रास्ते से तकलीफ़ चीज़ों को दूर करना है हटाना है और फिर कहते हैं वल हया उ शोब तो मिनलान और हया ईमान का हिस्सा है इस रिवायत को बयान किया है ये रिवायत बुखारी में भी है हदीस नंबर नौ और इसी तरीके से मुस्लिम में है हदीस नंबर गालिबा थर्टी फाइव है इस रिवायत में आप देखें हज़रत अब्दुल्ल अपनी दीनार अन अबी साल अन अबी हुरैरा हजरत अब्दुल्ल अपनी दीनार ये किससे रिवायत कर रहे है। था हैं अबी सौले से रिवायत कर रहे हैं और अबू साल हजरत अबू हुरैरा से रिवायत कर रहे हैं इसमें जितने लोग भी बयान कर रहे हैं हर आदमी एक दूसरे से बयान करने में तनहा है तुक्णतु तुक्णतु हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को तनहा ख़ुद अल्लाह के नबी सोस से रिवायत कर रहे हैं जैसे हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रजी अल्लाह ने आमालु बिन बनियात वाली रिवायत को अकेले बयान किया है ऐसे हजरत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं तो गरीब मुतलक इसे कहा जा सकता है इसी तरीके से इसी हदीस को ग़रीब नस्बी भी कहा जा सकता है क्यों इसलिए कि सहाबी से जो शख्स रिवायत कर रहा है वो भी तनहा है वो कौन है हजरत साले uh, और अबू साले से जो लोग रिवायत कर रहे हैं उनमें भी रिवायत करने में जो आदमी रिवायत कर रहा है वो भी तनहा है उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ल इब्ने दीनार तो अब्दुल्ल इब्ने दीनार इस हदीस को रिवायत करने में तनहा है किससे रिवायत करने में तनहा है हज़रत साले से और अबू साले ये रिवायत करने में तनहा है किससे हजरत अबू हुरैरा से तो ये हदीस जहाँ फ़र्द मुतलक पर दलालत करती है वहीं फर्द नस्बी पर भी दलालत करती है तो गरीब की दो किस्में हुई एक तो वो गरीब जिसमें एक आदमी रिवायत कर रहा होता है तनहा अल्लाह के नबी वसलम से और बकिया जो रिवायतें होती हैं बकिया पूरे इसनाद में वहाँ कभी को खलल कोई मसला नहीं होता है उसमें दो से ज़्यादा तीन से ज़्यादा भी रावी होते हैं इसी तरीके से अगर कोई सहाबी अल्लाह के नबी वसलम से रिवायत कर रहा है उस रिवायत को बयान करने में अगर चाहे दो चार और लोग भी हो सकते हैं लेकिन दरमिया सनद में बयान करने में कोई आदमी अगर तनहा हो जाता है तो उस रिवायत को क्या कहेंगे ग़रीब नस्बी गरीब नस्बी का ये मतलब होता है कि दरमिया सनत में वो गराबत पाई जा रही है कोई आदमी तनहा उस हदीस को रिवायत कर रहा है तो उसको गरीब नस्बी कहेंगे लेकिन यहाँ हमने आपके सामने बयान किया कि खबर अहाद की तीन किस्में हैं ख़बर अहदात की तीन किस्में हैं मशहूर उस हदीस को जिसको एक कसीर तादाद ने रिवायत किया हो लेकिन दो से और वो तादाद दो से ज़्यादा लोगों की हो दो से कम लोग नहीं हो दो से ज़्यादा लोगों की हो और वो लोग तवातुर की हद तक ना पहुँचते हों उसकी मिसाल ये हदीस है अलमसलिम सलीम अलमुसलिमूनिससान वैदी ही जिसको तकरीबन सात साहबा ने बयान किया इसी तरीके से दूसरी हदीस जिसको अज़ीज़ कहते हैं इसकी तारीफ़ ये है कि जिसको दो लोगों ने रिवायत किया हो अगर चाहे वो दोनों एक ही तबके में क्यों ना मौजूद हों जैसे मैंने बयान हदीस बयान की ला युमिनु हदकुम हत् अकून अहब्ब इही मालिह वद ही वन्ना सजमाइन इस रिवायत को हज़रत अनस मालिक ने और हज़रत अबू हुरैरा ने सही बुखारी के अंदर दोनों लोगों ने रिवायत किया है इसी तरीके से एक और की तीसरी किस्म है गरीब जिसकी तारीफ़ है जिसको एक आदमी ने रिवायत किया हो इसकी दो किस्में हैं एक तो यानी असली सनद में यानी सहाबी उस हदीस को रिवायत करने में तन्हा हो जिसके को फ़र्द मतलब कहते हैं या गरीब मतलब कहते हैं या इसी तरीके से दरमियानी सनत में कोई सहाबी से रिवायत करने में तनहा हो या तबई से या तब ताबई से कोई शख्स रिवायत करने में तनहा हो तो उसको गरीबे मिसबी कहेंगे इसको मिसाल के ज़रिए से वाजह किया गया इसमें मिस सिलसिले में सबसे वाज मिसाल अलईमान बेजूशन वब्बिन शब अरफ़ाऊ कऊल अल्ला व अदनामादा अन तरीत व व वलया उ इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया और मुस्लिम ने रिवायत किया है इसी तरीके से बाज़ रिवायत ऐसी होती हैं जो करायन से घिरी हुई होती हैं यानी उनमें बाज़ ऐसा करीना पाया जाता है कि वो अपने हजत के अतबार से और ज़्यादा मज़बूत हो जाती हैं और ज़्यादा कवि हो जाती हैं कैसे जैसे अगर किसी रिवायत को अगर इमाम बुखारी रमतल और इमाम मुस्लिम रहमत ला दोनों रिवायत कर दें तो वो हदीस क्या हो जाती है वो हदीस बहुत ज़्यादा क़वत वाली हो जाती है बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाती है और इंसान को चाहिए कि उस हदीस को पर पहले अमल करें यानी जिस हदीस को इमाम बुखारी रवायत करें और इमाम मुस्लिम रहमत ला दोनों रिवायत करते हैं वो हदीस हजत के अतबार से अपने बकिया जितने भी रिवायतें होती हैं उन पर फ़ोकियत ले जाती है इसी तरीके से एक वो हदीस अलदीसमस बिलआमतलहफ़ाज़ यानी वो हदीस जिसको बड़े बड़े अइमा ने और बड़े बड़े हफाज हदीस ने एक दूसरे से रिवायत किया हो मैं एक रिवायत बयान करूँगा इन ज़रिए से मिसाल वाज हो जाएगा देखिए इसकी मिसाल हजरत जैसे हजरत इमाम अहमद रहमत वो बयान करते हैं किन से अपने उस्ताद इमाम शाफाई रमतल आल से और इमाम शाफाई बयान करते हैं अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतल से तीनों ईम में अलास रवायत मौजूद हैं और हज़रत इमाम मालिक अपने उस्ताद जो है उनके नाफ़े उनसे रिवायत करते हैं और नाफ़े अपने उस्ताद हसाबी रसूल हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अल्लासे रिवायत करते हैं और हदीस क्या है ला अबी बाज़ुकुम अला बई इबाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सन फ़रमाया कि कोई भी शख़्स अपने भाई की ख़रीदो फरोख्त पर ख़रीदो फरोख्त न करे यानी कोई भाई आपके अगर आप देखें कि वो मोल भाव कर रहा है और किसी से वो डील कर रहा है तो आप दरमियान में ख़लल दे करके आप आप ना जाएं आप खलाल दे करके आप अपना काम बनाने की कोशिश ना करें बल्कि अगर वो डील कर रहा है रुक जाए यहाँ तक कि वो अपना डील फाइनल कर लिया कैंसिल कर ले उसके बाद आप चाहें तो आप करें आमतौर पर य होता होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई तुम में से कोई शख्स किसी अपने भाई की पैगाम निकाह पर पैगाम निकाह न दे यानी किसी आदमी ने किसी औरत को या किसी लड़की के यहाँ या किसी घर के को वो पैगाम निकाह दिया है तो किसी शख्स के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो भी उसी घर में और उसी लड़की को पैगामे दे क्यों ये चीज़ें बाहमी अदावत और दुश्मनी का जरिया बन जाती हैं तो अल्लाह के नबीम ने इस रिवायत को मैं मना किया है बहरहाल बताना ये मकसूद है कि इस रिवायत को हज़रत इमाम अहमद अहमद इबन हम्बल अपने उस्ताद इमाम शाफ़ी से रिवायत करते हैं इमाम शाफ़ी इमाम मालिक से इमाम मालिक किन से रिवाय कर रहे हैं नाफ़े से और नाफ़े किन से रवात कर रहे हैं सहाबिर रसूल हज़रत अब्दुल्लनी उमर रजी रजील्ला तुन से वो कहते हैं कि अल्लाह के रही ने कहा कि तुम में से कोई और रिवायत मैंने आपके सामने तर्जुमा कर दिया है ये रिवायत मुस्न्द अहमद इबिन हमल रमतल के अंदर मौजूद है और हदीस नंबर है छः हज़ार तीन छः छः हज़ार चौंतीस नंबर की ये रिवायत है और इस हदीस को सही करार दिया है शेख शुबरना नावत रहमत उन्होंने अपनी तहक़ीक़ से इस रिवायत को सही करार दिया है तो वो ये उन तो पहली किस्म वो हुई कि अगर हदीस को अगर इमाम बुखारी रमतल या इसी तरीके से इमाम मुस्लिम रहमत लाला दोनों साथ साथ अगर रिवायत कर दें तो वो हदीस हजत के अतबार से और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और ये इसी तरीके से दूसरे नंबर की वो रिवायत जिसको आया बड़े बड़े आयमा एक दूसरे से रिवायत करते हैं तो ये हदीस भी हजत के अतबार से अहम हो जाती है मजबूत हो जाती है इसी तरीके से तीसरी किस्म की वो रिवायत है अलमशहूर इदा कानत लहू तुरकन मुबायनतुन। यानी वो हदीस जिसके कई तरीक़े हो यानी कई सनद से वो मरवी हो और हर सनद में हर सनद जोफ से खाली हो यानी उसमें कमी बेशी ना पाई जाती हो यानी उसमें वो जोफ से खाली हो उसमें कोई इल्लत ना पाया जाता हो तो हदीसें मशहूर जिसके मुतद तुर्क हों और ये तमाम के तमाम तुर्क सही हों किसी भी तब, किसी भी किस्म की इसमें इल्लत ना पाई जाती हो तो वो रिवायत भी सही होती है जैसे मैं एक रिवायत आपके सामने बयान करके आ, मिसाल के ज़रिए से वाज करता हूँ मैंने हालांकि यहाँ नोट नहीं किया है वो रिवायत है हज़रत अबूज हज़रत अबूज़र रजी अल्लाह तुकी की वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा सलासतन लायुकल महम्हमलक़ियाम की तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा क़यामत के दिन उनसे बातचीत नहीं करेगा ला क़ियामा वला लायक़ियाम इलैहिम नहीं अल्लाह तरफ़ देखेगा वला इम और नहीं उन्हें पाक साफ करेगा वलहुम वलुम अलीम और कहा कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ दे अज़ाब है तो पूछा गया कि वो तीन लोग कौन हैं तो उन्होंने कहा इज़ारा एक तो वो शख्स है जो अपना पाजामा या पैन टखने से नीचे लटकाता है दूसरा वलमन्नान कि वो शख्स जो किसी पर एहसान करे तो एहसान जतलाता है तीसरा वो शख्स है वलमनफ़ी कुस्िलता हिल्फिल हिल का अदिब वो शख्स जो झूठ बोल करके अपना सामान बेचता है लिया है कम कीमत में और बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है दोगुने तिगने दामों में बता, उसको बेच रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके तो झूठ बोल करके जो शख्स कमाई करता है तजारत करता है तो ये तीन किस्म ये उन लोग हैं इस रिवायत को अब मैं बताऊं देखिए सही बुखारी ने इमाम मुस्लिम रम्तु ने तिरमिज़ी ने अबी दाऊद ने नसई ने इबिन माजा ने सब ने रिवायत किया है और ये ये जितने तर्क से मरवी है किसी में कहीं कमी नहीं है और जितने तर्ख से मरवी है ये सारे के सारे तुरुक और सारे के सारी सनदें सही हैं तो अलमशहूर यानी वो हदीस जब जिसके मतद्द तुरुक से रिवायत हो की गई हो और हर तरीक यानी हर सनद ये इल्लतों से और जोफ से ख़ाली हो यानी वो बिल्कुल सही सालिम हो, तो उसको कबूल कर लिया जाता है ये हदीस भी हुज्जत के एतबार से कवि होती है